हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रिकी एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5G इन इंडिया के बारे में। सो देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो लोग मेरे से आजकल पूछ रहे हैं कि 5G कब आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, 5G हमें फ़ोन लेना चाहिए बिकॉज सारी कंपनीज इस टाइम पे फोकस कर रही हैं इंडिया में 5G फोन्स निकालने के लिए। एंड 5G क्या अभी इम्पोर्टेंट है, इसका क्या यूज़ है। सो आज की वीडियो में आई विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 5G के आने पे क्या 4G ऑब्सोलीट हो जाएगा। नो, दैट वोंट हैपन। 4G विल स्टिल रिमेन। जैसे अभी 4G के करंट टाइम में हमें 3G और 2G भी देखने को मिलता है। 2G तो चला गया और 3G भी ऑलमोस्ट जा रहा है, बट स्टिल हमें ये देखने को नेटवर्क मिलते हैं। सो 5G के आने पे हमें तब भी 4G दिखेगा, रादर जो 4G की स्पीड हमें और ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगी अगर 5G आता है तो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 5G हमें चाहिए क्यों है। 5G एक बहुत ही ज्यादा फास्ट नेटवर्क होगा जब वो आएगा, बिकॉज एक तरह से इट विल रीवैम्प द होल मेडिकल इंडस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। दिस विल ब्रिंग IoT जो हमें हर जगह देखने को मिलेगा एक बार जब 5G आ जाता है, बिकॉज 5G's मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज वुड बी दैट इट हैज लो लेटेंसी। नाउ सिंस इसमें लो लेटेंसी है, जो सारे इंडस्ट्रीज जो सबसे क्विक टास्क पे डिपेंड करती हैं ऑन नेटवर्क, उनको बहुत ही ज्यादा क्विक नेटवर्क मिलेगा जिसमें बहुत लो लेटेंसी होगी एंड काफी ज्यादा स्पीड से काम हो सकता है। दिस लो लेटेंसी ऑल्सो हैज अ बेनिफिट इन गेमिंग इंडस्ट्री। काफी ज्यादा गेम्स के एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, तो जो सारे गेमर्स हैं उनको तो बहुत खुश होना चाहिए व्हेन द 5G अराइव्स, बिकॉज वो हमारे एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा क्विक और स्मूथ कर देगा। वंस द 5G स्टार्ट्स टू डिप्लॉय, जो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है दे विल बी हैविंग न्यू मशीनरीज जो 5G सपोर्ट करती है, सो दैट दे कैन डू द वर्क रियली क्विकली। सो जब 5G आ जाएगा उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बेटर होगी दैट इट विल इम्प्रूव द मीडिया स्ट्रीमिंग बाय अ लॉट। जैसे IPTV जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी, यू कैन चेक द वीडियो अप हियर। सो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड जो फर्दर लाइव प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। सो नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें अभी 5G फोन लेने चाहिए। सो द आंसर इज अ बिग नो, बिकॉज इंडिया में स्लाइटली भी 5G आने के लिए अभी इट विल टेक एटलीस्ट 2 years। सबसे बड़ा रीजन है कि 5G के लिए काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड करंटली जो काफी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अभी डेट में हैं, जिनकी वजह से आई डोंट थिंक दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एन ऑक्शन। बेसिकली ट्राई वालों ने एक ऑक्शन सेटअप करी थी इन जून, जिनमें दीज टेलीकॉम कंपनीज हैड टू बाय द 5G स्पेक्ट्रम, लेकिन ड्यू टू दिस सिचुएशन ट्राई वालों ने ये जो ऑक्शन है ये अक्टूबर तक फिलहाल पोस्टपोन कर दी है। एंड ऑल्सो द बेस प्राइस फॉर दिस 5G स्पेक्ट्रम इज सेट एट 50,000 crore rupees, सो दैट वोंट बी इजी टू परचेज दिस 5G स्पेक्ट्रम। सो दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज कि इंडिया में 4G भी जब आया था तो इट इज नॉट दैट गुड। हमें जो स्पीड प्रोमिस्ड है दैट इज 100 to 200 MB/s, बट हमें कभी इतनी देखने को नहीं मिली। सो जो 5G भी होगा इट वोंट बी दैट गुड जितना हमें US वगैरह में अभी देखने को मिल रहा है, बट स्टिल इट वुड बी रियली गुड एज कम्पेयर टू 4G। सो 5G की भी तीन कैटेगरीज हैं, दैट इज द लो बैंड 5G, मिड बैंड 5G एंड हाई बैंड 5G, जिसे हम बोलते हैं मिलीमीटर वेव 5G। सो इन तीनों का जो डिफरेंस है इज दैट दीज थ्री वर्क ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड लो बैंड में सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है एंड हैज द मैक्सिमम कवरेज बट ऑल्सो नॉट दैट गुड स्पीड। नेक्स्ट इज द मिड बैंड 5G, जिसका कवरेज 3-4 kilometers होगा बट द स्पीड वुड नॉट बी दैट गुड, 4G से स्लाइटली बेटर होगी। एंड द हाई बैंड 5G, दैट इज द मिलीमीटर वेव विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट कवरेज एरिया बट विल गिव अराउंड 1 Gbps स्पीड। सो आई डोंट थिंक हमें इंडिया में मिलीमीटर वेव 5G इतना फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा या ज्यादा एरियाज में देखने को मिलेगा, बिकॉज इसका कवरेज एरिया बहुत ही ज्यादा लो है एंड बिल्डिंग्स के थ्रू इसका सिग्नल बहुत जल्दी ड्रॉप करता है। सो सीइंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया टू विटनेस मिलीमीटर वेव नेटवर्क्स, हमें हर एक स्ट्रीट में टावर चाहिए होगा एंड उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इज नॉट रियली पॉसिबल फॉर नाउ एटलीस्ट। मे बी हमें 3-4 साल फ्यूचर में देखने को मिलेगा बट नॉट रियली नाउ। सो जो हमें सारे स्क्रीनशॉट एंड पिक्स देखने को मिलते हैं मोबाइल में स्पीड टेस्ट करते हुए, दैट शो दैट वी आर गेटिंग 1500 MB/s, दैट इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू हैपन इन इंडिया प्रीटी सून। सो अभी हमें 5G फोन्स लेने की जरूरत नहीं है, इवन दो हमें 5G के लिए 5G फोन्स ही चाहिए होंगे। 4G फोन्स जो आपके पुराने हैं उन पर 5G नहीं चलेगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ न्यू चिपसेट विच कैन सपोर्ट द 5G नेटवर्क। सो करंट सिनेरियो को देखते हुए यू नीड नॉट वरी दैट 5G फोन ही लेना है, बिकॉज इट वोंट बी हियर फॉर एटलीस्ट 2-3 years।
सो यू कैन बाय एनी नॉर्मल फोन. सो ऑल इन ऑल हमें 5G के काफी ज्यादा एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया. वी माइट ऑल्सो सी मेजर इंप्रूवमेंट्स इन ऑटोनॉमस व्हीकल्स, दैट इज सेल्फ ड्रिवन कार्स. 5G कैन प्रूव टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट. बट द बॉटम लाइन इज इंडिया में 5G हमें ज्यादा जल्दी नहीं देखने को मिलेगा. So, अगर आपको फोन्स लेने ही हैं एंड यू आर थिंकिंग 5G होना ही चाहिए फोन में, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज एट लीस्ट राइट नाउ दिस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर आप फोन ले ही रहे हो तो. सो दैट्स बीन इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड बी श्योर टू स्मैश दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड जस्ट लाइक दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.